मीठा खाना किसे पसंद नहीं। हम अक्सर मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन बनाने में थोड़ा आलस आता है, तो क्यों ना आज हम ऐसा डेजर्ट बनाएं जो जल्दी बन के रेडी हो जाए और ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं। आज हम टब डेजर्ट बनाएंगे। टब डेजर्ट केक का ही एक फॉर्म होता है। केक के जैसे ही उसे लेयरिंग, फ्रॉस्टिंग सब करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इजी है। नमस्ते, मैं गीता नायर डार्क्स एंड डेजर्ट्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम डेजर्ट में टब डेजर्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने केक स्पॉन्ज लिया है। ये बेसिक वैनिला स्पॉन्ज है, प्रीमिक्स से बनाया हुआ। इसके दो लेयर मैंने कट कर लिए हैं। मैंने येलो कलर के दो ड्रॉप्स डाले हैं, इसलिए स्पॉन्ज थोड़ा हल्का येलो कलर है। आप चाहिए तो कलर ना डालें। ये एक्रेलिक टब है, आज हम डेजर्ट इसी में बनाएंगे। टब स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगल शेप में अवेलेबल है। आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं, पर स्क्वायर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। हम इसी एक्रेलिक टब से केक को कट करेंगे। दोनों स्पॉन्ज को एक के ऊपर एक रख दिया गया है और हम टब के हेल्प से इसे कट करेंगे। टब को केक के ऊपर रख के हल्के से नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए तो वो एग्जैक्ट वही शेप में कट हो जाएगा। और जो साइड के एजेस से छुरी के हेल्प से उसे कट करके एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल दीजिए। ज़बरदस्ती खींच के निकालने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। देखिए कितना इजीली ये कट हो गया है। ये एक्सेस पार्ट को आप क्लिंग रैक करके फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट कोई रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पॉन्ज ऐसे ही खाने में बहुत डिलीशियस होता है। सारे पार्ट्स कट कर दिए गए हैं, अब इसे क्लिंग रैप करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए कितना परफेक्ट स्क्वायर शेप आया है। टब डेजर्ट्स के लिए दो स्लाइसेस की ही ज़रूरत होती है, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस में हम केक स्पॉन्ज रख देंगे। केक स्पॉन्ज को अच्छे से बेस में सेटल कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी से सोक करेंगे। आप चाहिए तो शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी का ही यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल रेगुलर वाटर है। उसके बाद हम इसमें एक फिलिंग डालेंगे। ये हर्शीज़ का चोको स्प्रेड फिलिंग है। आपको जो फिलिंग पसंद है आप वो ले सकते हो। आप चाहिए तो नटेला ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो। आपको जो भी फिलिंग पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब इसे स्पून से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहिए तो स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही स्वर्ल बना के आप छोड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम से डिज़ाइन निकालेंगे। ये इसके लिए नोज़ल की ज़रूरत नहीं है, आप बिना नोज़ल से भी ये काम कर सकते हैं। मैंने इस टब डेजर्ट के लिए नोज़ल का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना नोज़ल से भी हम केक के अच्छे डिज़ाइंस निकाल सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम, ये नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम है। मैंने इसमें कोई भी कलर ऐड किया नहीं है। आप चाहिए तो कलर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट लेयर बन चुका है। अब हम रिपीट करेंगे। केक के स्पॉन्ज को रख देंगे और इसे पानी से सोक करेंगे। देखिए अभी ये पानी से अच्छे से सोक कर दिया है। अब अगेन हम इसमें चोको स्प्रेड लगाएंगे। टब डेजर्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये ट्राई करना तो बनता है। टब डेजर्ट अलग अलग फ्लेवर्स के भी बनाते हैं। आप इसमें एक्जॉटिक फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं। अभी ये लास्ट में व्हिपिंग क्रीम से हम सेम पैटर्न निकालेंगे।
ये देखिए अभी कितना क्यूट लग रहा है हमारा टब। बहुत जल्दी और इजीली बन जाता है टब, तो ट्राई करना तो बनता है। एंड अगेन इसमें हम चोको स्प्रेड ड्रिजल करेंगे। ये देखिए हमारा टब रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।